हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि US एम्बेसी में निकली हुई है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये कंफर्म कर दूँ कि ये जो पोजीशन है इसकी जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली नहीं होने वाली है, ये हैदराबाद बेस्ड पोजीशन है। ठीक है, तो जो भी मतलब हैदराबाद में रीलोकेट कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी दे आर लिविंग इन द हैदराबाद, सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू अप्लाई फॉर दिस पोजिशन। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इस पोजिशन में, सो दे कैन ईजली अप्लाई। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कौन सी पोजिशन है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जो पोजिशन है, इस पोजिशन का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क की पोजिशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो आई हैव मैंशन दैट दिस इज वन ऑफ द कॉमन पोजिशन दैट इज रिलीज बाई अ कपल ऑफ द एम्बेसीज। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन की जो पोजिशन होती है वो एम्बेसी और हाई कमीशन में सबसे ज़्यादा निकलती है और फ्रिक्वेंटली निकलती रहती है। मतलब आप ये मान लीजिए कि हर मंथ किसी ना किसी एम्बेसी में ये एडमिन वाली पोजिशन जो है वो आपको देखने को मिल ही जानी है। तो इसीलिए ये जो पोजिशन है वो अभी फिलहाल में US एम्बेसी में निकली हुई है, लेकिन इसकी जो ब्रांच है US एम्बेसी का जो कॉन्सुलेट है जो कि हैदराबाद में, ये पोजीशन वहाँ पर है, तो वहाँ के लिए ये पोजीशन निकली हुई है। तो ये तो मैंने आपको पोजीशन का नेम बता दिया। अब हम अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है कि आपने अपने 12th क्लास पास आउट की होनी चाहिए और उसके बाद में अगर आपने कोई भी 2 ईयर का डिप्लोमा किया है कॉलेज डिग्री से, और या फिर मतलब सिंपली आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, और ग्रेजुएशन रेगुलर भी हो सकती है, नॉन रेगुलर भी हो सकती है कॉरेस्पॉन्डेंस से, तो वो उसमें कोई भी इशू नहीं होगा, बस आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। तो ये चीज़ हो गई, ये मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया। उसके बाद में अगर इफ़ वी टॉक अबाउट द इंग्लिश एक्सपर्टीज, तो जो है इंग्लिश जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो ये मतलब कोई अगर आपने इंग्लिश में सर्टिफिकेट लिया है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पर ऑप्शन देता है, दे प्रोवाइड यू द ऑप्शन टू अपलोड दैट सर्टिफिकेट। And if you don't have the certificate, then if you have any kind of degree or the diploma where you completed your course in English mode, so you can upload that as well. ठीक है, तो वहाँ पर आप अपने project से कोई related certificate था तो वो भी upload किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा, आपकी check हो जाएगी कि हाँ आपके English का level कैसा है, और जब आपका सिलेक्शन होगा व्हेन यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड यू विल बी इंटरव्यूड बाय द पैनल, तो वहाँ पर भी आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है वो मतलब ऑटोमेटिकली ही चेंज मतलब चेक कर ली जाएगी। तो ये इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी। अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो जनरली जैसा कि हम देखते हैं हर पोजीशन में, जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क की पोजीशन निकलती है तो इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं मांगते हैं, इसमें सिर्फ 1 ईयर की मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया। और ऑफिस मैनेजमेंट का या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपको एडमिन ही लाइन में एडमिन क्लर्क हों आप, तो ऐसे मतलब वर्क में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो पोजीशन रहेगी इसमें आपको एडमिन क्लर्क बनाया जाएगा एक मेडिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, US एम्बेसी का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर आपको ये क्लर्क बनाया जाएगा। तो वहाँ पर जो भी आपको मतलब जो भी असाइनमेंट दिए जाएंगे कि ये टास्क करना है, ये टास्क करना है, तो वो आपको टास्क करना होगा। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे जो मेडिकल होती है, जैसे होस्ट कंट्री मान लीजिए कि US में मेडिकल सिस्टम कैसे काम करता है, इंश्योरेंस कैसे दिया जाता है अगर किसी का क्लेम आता है, तो इस टाइप की थोड़ी ये सारी चीज़ें जो नॉलेज है वो आप मतलब गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं, तो ये नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आपका एडमिन का 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए आप इस पोजीशन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो ये बेसिक से रिक्वायरमेंट है। नाउ वी टॉक अबाउट द सैलरी पार्ट। जो सैलरी पार्ट रहेगी, जो सैलरी इन्होंने डिस्क्राइब कर रखी है वो 5,48,000 समथिंग है,
वो एनुअली पैकेज है, ठीक है, एनुअल पैकेज है। तो अगर हम मोटा मोटा अगर इसे 5 लाख समझे तो आपकी जो मंथली सैलरी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 मिलेगी आपको, ठीक है, 40,000 आपकी मंथली सैलरी आपको मिलेगी। तो ये जो चीज़ है ये मैंने आपको सैलरी के भी बारे में डिस्क्राइब कर दिया, और बाकी जो अदर जो प्रोविडेंट फंड होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, वो तो मिलती ही है, वो तो अलग से रहती ही हैं। तो उसके अलावा जो आपकी जो सैलरी हो गई वो 40,000 हो गई, और लेट मी रिमेम्बर इफ आई एम मिसिंग समथिंग, आई होप दैट इज ऑल अबाउट द सैलरी। एंड यस, वर्किंग आवर्स, तो वर्किंग आवर्स जो रहेंगे वो 40 आवर्स आपको जॉब करनी होगी विद इन अ वीक, ठीक है, यानी 8 घंटे हर दिन आपके रहेगी, और सैटरडे संडे फिक्स ऑफ आपका रहेगा। सो दिस इज द होल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पोजिशन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई क्रिएट द वीडियोज ऑन द जॉब्स, ओके, जो भी रेलिवेंट जॉब्स होती है जो मुझे ठीक लगती है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको डिलीवर करता रहता हूँ। तो आप इस पोजीशन के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।